फ्रेंड्स, जब भी हम आम की चटनी बनाते हैं तो हम कुछ गलतियां ऐसी हैं जो करते हैं और जिससे हमारी चटनी जो है खराब भी हो जाती है और अच्छी भी नहीं बनती। उसमें एक गलती क्या करते हैं, जब जैसे मैं ये चटनी बना रही हूँ, ठीक है, मैंने आम को कद्दूकस जब किया है ना, कच्चे आम को, तो कढ़ाही में रखने से पहले साथ ही इसके अंदर गुड़ और चीनी, क्योंकि मैं दोनों चीज़ें मिक्स करती हूँ, तो दोनों चीज़ें मैंने साथ ही मिक्स करके उसके बाद ही कढ़ाही को गैस पर रखा है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि पहले आम को खाली गला लेते हैं, उसके बाद उसके अंदर नमक वगैरह सब कुछ डाल देते हैं और चीनी फिर बाद में डालते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि चीनी जो है वो चीज़ को जल्दी गलने नहीं देती और नमक जो है वो जल्दी चीज़ को गला देता है। तो हमें चटनी जो है वो लच्छे वाली अच्छी लगती है, होनी भी ऐसी चाहिए, जैसे ये लच्छे वाली चटनी है ना, ऐसे होनी चाहिए। इसके लिए हम चीनी डाल देंगे साथ के साथ, ताकि आम जो है वो पूरी तरह से सॉफ्ट ना हो, हल्का हल्का क्रंची सा रहे। और नमक जो है वो हम डालेंगे सबसे बाद में, पहले हम नहीं डालेंगे। जैसे अब हमने ये आम की चटनी रखी है, इसके अंदर चीनी और गुड़ डाला हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको, मेरे को 10 मिनट हो गए हैं, तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं हल्का सा। इस तरह से हम चेक करेंगे कि इस गुड़ की या ये देखो तार बन रही है या नहीं बन रही, क्योंकि हमें चीनी को पकाना है। आप देख रहे हैं तार बन रही है, तो हमें यहाँ तक इसको पकाना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम यहाँ तक पकाएंगे तो ये हमारी जल्दी ख़राब नहीं होगी। अगर इसके अंदर चीनी और गुड़ अच्छे से पकेगा नहीं तो वो जल्दी से ख़राब हो जाएगी। तो अभी मुझे इसको 7-8 मिनट हुए हैं चलाते हुए या बनाते हुए, तो अभी इसके अंदर थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि इसको थोड़ा सा और पकाया जाए, जो चीनी और गुड़ ने अपनी पानी छोड़ा है ना, वो पानी भी पूरी तरह से सूख जाएगा और जो इसका इसके अंदर जो है ना पकने का जो है, पूरी तरह से चीनी और गुड़ पक जाएगा, उसके बाद ही हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। मसालों के अंदर मैंने क्या किया है, थोड़ा सा सौंफ और थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा मेथी दाना, उसको ड्राई रोस्ट करके ना अलग से पीस लिया है, यानी ग्राइंड कर लिया है। मोटे मोटे मसाले मैं इसके अंदर नहीं डालूंगी, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने ग्राइंडर जार के अंदर मसाले को क्रश किया है और मोटा मोटा आपको दिख रहा होगा कि ये मैंने मोटा मोटा क्रश किया है। तो यही हम इसके अंदर डालेंगे, लेकिन अभी भी हम इसके अंदर नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि जब तक हमारी ये पूरी तरह से बन नहीं जाती ना, क्योंकि जैसे हमने नमक डालना है ना, तो फिर ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाती है, तो अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह से हम ये गलती बहुत करते हैं, अक्सर ये गलती करते हैं। अभी भी इसकी तार देखो, एक तार मुश्किल से एक तार बन रही है, तो हम दो तार की चाशनी बना लेते हैं। तो इसको हम 3-4 मिनट के लिए और रखते हैं। वैसे मैं मसाले इसके अंदर डाल सकती हूँ नमक को छोड़ के। इसके अंदर जैसे हम डालेंगे, मैं इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च डालती हूँ, हल्की सी ये लाल मिर्च डाल दी, करीब 2 चम्मच ही मैं इसके अंदर ये मसाला डाल रही हूँ, जो कि मसाला मैंने आपको दिखाया ना क्रश करके रखा है, ये मसाला मैंने क्रश करके रखा है। तो ये इसके अंदर मैंने मसाला भी डाल दिया है, लेकिन नमक मैंने अभी भी नहीं डाला। इसमें थोड़ा सा चाहें तो हम देगी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि देगी मिर्च से थोड़ा सा कलर जो है वो रेडिश में आ जाएगा, अगर चाहें तो कर सकते हैं। इसमें मैंने चीनी है वो थोड़ी सी ज़्यादा डाली है और जो इसके अंदर गुड़ है वो कम डाला है। आप चाहें तो आप सिर्फ गुड़ में भी बना सकते हैं, लेकिन इसका तरीका यही होना चाहिए। ये गलती कभी ना करें कि हम गुड़ बाद में डालेंगे, पहले हम पका लेते हैं, इसको हम गला लेते हैं, तो गलाना नहीं है। गलाने से पहले हमने इसके अंदर डाल देना है गुड़ और चीनी, उसके बाद ही हम इसको गैस पर रख के पकाएंगे। तो ये मैंने इसके अंदर थोड़ा सा देगी मिर्च भी डाल दिया, थोड़ा सा इसका रेडिश हो जाएगा। तो मैं नमक अभी भी नहीं डाल रही इसके अंदर, ठीक है। तो अब हम चटनी के अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं, तो यहाँ हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। उसके बाद जैसे हमें पता चलेगा ना कि ये चटनी पूरी तरह से तैयार है, फिर उसके अंदर हम डाल देंगे नमक। नमक डाल के हम 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि नमक भी थोड़ा सा पानी छोड़ता है, तो थोड़ा सा पानी जो छोड़ेगा वो सूख जाएगा। तो ये चटनी आपकी ना सालों साल खराब नहीं होगी, अगर इस तरीके से बनाएंगे पूरी तरह से पका के। तो ये कुछ गलतियां हैं जो मैंने आपको बताई हैं, अक्सर लोग करते हैं, पता नहीं होता। तो इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च भी डालेंगे, क्योंकि काली मिर्च भी बहुत अच्छी रहती है, तो चाहे हम नमक के साथ भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर चाहें तो हम इस अभी भी डाल सकते हैं। ये देखो मैंने ये काली मिर्च भी, करीब 1 चम्मच मैंने इसके अंदर काली मिर्च का भी डाल दिया है, काली मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से कच्चे आम की चटनी को हम बिना कोई गलती किए बना सकते हैं, जो हमारी सालों साल रहे। तो उम्मीद है इस वीडियो को देखते हुए आप आगे से ये गलती नहीं करोगे। लोगों को यही नहीं पता होता कि पहले क्या डालना है बाद में क्या डालना है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी चटनी बहुत ही टेस्टी भी बनेगी और साथ में सालों साल ख़राब भी नहीं होगी।
तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।